बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हैं, आज 14 अगस्त है, इतने प्यारे लग रहे हैं ग्रीन और व्हाइट सूट में। अब बच्चे सब केक कट करेंगे। ये शहीर के सारे कजन्स हैं, शहीर ने अपने कजन्स को बुलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आज आप लोगों को पता ही है कि आज बहुत हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज 14 अगस्त है। आज आप लोगों को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शहीर ने मुझे कहा कि मामा आप मेरी सालगिरह पे तो केक बनाती हैं, तो आज हमारे पाकिस्तान की सालगिरह है तो आप उस पर भी केक बनाएं। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया। 1/2 टीस्पून सोडा लिया है मैंने मीठा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दूध मैंने 1 कप लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। 1 कप चीनी मैंने उसको पीस लिया, और 4 अंडे। ऑयल मैंने 4 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं ये अंडे तोड़ कर, 4 अंडे मैं तोड़ के इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको फेंट लूँगी। चीनी डालूंगी। थोड़ी थोड़ी करके मैंने चीनी डाली, वनीला एसेंस, ये मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। अब इसमें मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, एकदम ही डालना नहीं। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दूध भी ऐड करती हूँ। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना। हाफ कप मैं इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अपनी पतीली प्री हीट होने के लिए रख दी थी, हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए केक मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने ऊपर से भी इसको फिनिशिंग कर ली और बीच में से भी इसकी कटिंग कर ली। अब मैं विप क्रीम लगाऊंगी। चलिए मैं आपको विप क्रीम बनाना सिखाती हूँ। देखें अब मैंने क्रीम को इसके अंदर डाल लिया है। अब क्रीम को हम विप करते। मैं अपने रूम में ली थी क्योंकि रूम में आपको पता ही है किचन में आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये देखें Thank you.
ये देखें हमारा बैटर इस तरह का हो गया। अब ये देखें, अब ये हम इस जब ये गिरेगा नहीं तो समझें आप ये बिल्कुल सही हुआ है, फ्लफी हो गया काफ़ी। मैंने इसको हाफ इसमें डाल लिए। अब मैं क्योंकि हमारा फ्लैग ग्रीन है, ग्रीन एंड वाइट है, तो मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैं इसमें पाउडर फॉर्म का डालूंगी। तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, कम लगेगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी थोड़ा सा ना। मैं इसको इस पर रख लूँगी, सिरप लगाऊंगी। मैंने दूध के अंदर चीनी डाल दी थी, अब मैं आप कुछ भी लगा सकती हैं, खाली पानी के अंदर चीनी डाल के वो भी लगा सकती हैं आप, और या फिर पाइनएप्पल का जो सिरप होता है वो भी लगा सकती हैं। अब ये देखें, अब मैं इसके ऊपर क्रीम जो मैंने फेंटनी थी वही मैं इस पर लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह कवर करना है मैंने। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हैं, आज 14 अगस्त है, इतने प्यारे लग रहे हैं ग्रीन और वाइट सूट में। अब बच्चे सब केक कट करेंगे। केक हमारा रेडी हो गया था, मैंने इसको रख दिया, देखें अब बच्चे सब केक कट करेंगे। चलें बच्चे, बच्चों सब, ये शहीद के सारे कजन्स हैं, शहीद ने अपने कजन्स को बुलाया है। चलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इनसे अब हम थोड़े से क्विज कर लेते हैं और फिर इनको गिफ्ट वगैरह देंगे हम लोग। चलिए अली अहमद, आप बताएं कि पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 1947। डेट भी बताएं। 14 अगस्त 1947 को। गुड, इसको गिफ्ट देना। चलिए फातिमा, आप आपसे पूछते हैं कि कायदे आजम कहाँ पे पैदा हुए थे? सबसे छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछे। कराची में पैदा हुए थे। गुड, इसको भी दे, इसको फ्लैग दे। चले अब अब्दुल्हाद से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अब्दुल्हाद, कायदे आजम कब पैदा हुए थे? गुड, वेरी गुड, इसको भी देना। चलिए अब हम शहीर से क्वेश्चन करते हैं। शहीर, आप बताएं कि कायद आजम की बहन का क्या नाम था? कायद आजम की बहन का नाम फातिमा जिनान। गुड, वेरी गुड। चलिए राफे, आप बताएं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त इस्लामी तारीख क्या थी? 27 रमजान मुबारक। गुड, वेरी गुड। अब हम अब्दुल्ला से भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किससे लिखा था अब्दुल्ला? हफीज जलंधरी। गुड, इसको भी देना।
चले अब हमजा रह गए हैं, हमजा की टर्न है। हमजा को माइक दें। हमजा आप बताएं कि पाकिस्तान की कौमी शायर कौन है? इलाहाबाद। गुड। चले अब आप लोग हमें कोई मिली नगमा गा के दिखाएं। फातिमा को माइक दे, फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि इनको आज का डे कैसा लगे। बताएं फातिमा कैसा लगा आज आपका डे? बहुत अच्छा लगा, हर दिन होना, हर दिन होना चाहिए ऐसा। चलिए अब्दुल्ला हाथ, आप बताएं आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हर दिन होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अब आप बताएं, आज का दिन बहुत यादगार था। बहुत यार, आप बताएं शेर केक कैसा बने? चले आप लोग एक नारा लगाएं बच्चों। पाकिस्तान।